दोस्तों आर्टिकल के नए वीडियो के साथ देखिए, एक्सक्लामेशंस में अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं जो एक्सक्लामेशंस वाले हैं, जैसे व्हाट प्लस ए एन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर ए और एन का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे व्हाट अ लवली ड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लामेशंस वाले सेंटेंस जो भी होते हैं उनके साथ अक्सर व्हाट के बाद आप व्हाट अ ब्यूटिफुल गर्ल इट इज, तो ऐसा आप सेंटेंस सुने होंगे या देख रहे होंगे दोस्तों। बट अगर यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह पर अनकाउंटेबल नाउन हो तो नॉर्मली आपको यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं करना है, जैसे व्हाट नॉनसेंस, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपको इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है व्हाट लक, यहाँ पर व्हाट अ लक नहीं लिखना है दोस्तों। तो जॉब और पोजीशन के पहले जो है वो द आर्टिकल का यूज करें या ना करें, ठीक है, द आर्टिकल का यूज करें या ना करें, तो इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर किसी टाइटल के बाद यानी नाउन रहे या नाउन के पहले कोई टाइटल, जो टाइटल जो है वो नाउन के साथ हो, जैसे क्वीन राधा, और दूसरा यहाँ पर प्रेसिडेंट मोहन, ये नाम के साथ टाइटल है, तो नाम के साथ टाइटल है, यहाँ पर आप आर्टिकल द का प्रयोग ना करें। लेकिन यहाँ देखें, ये क्वीन और प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो ये बगैर नाम वाला, इसके क्वीन के बाद नाम नहीं है, जैसे यहाँ पर क्वीन राधा था या क्वीन। दोस्तों यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इलनेस और पेंस जो भी होते हैं, यानी बीमारी और ये दर्द वाले जितने भी शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, वैसे शब्द अक्सर जो है यूजुअली अनकाउंटेबल माने जाते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। तो इनके लिए आप देखें, सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव गॉट टूथ एक अगेन, ठीक है, यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसे इलनेस और पेंस हैं जिनके साथ आप ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसे अ कोल्ड अ हेडेक, ठीक है, इसे याद रखें, जैसे आई हैव गॉट अ हेडेक। अब यहाँ देखें दोस्तों, द कैन बी यूज इनफॉर्मली, देखें दोस्तों इनफॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये द यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो इनफॉर्मली यूज किया जाता है, फॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। जैसे आई थिंक आई हैव गॉट फ्लू या आई हैव गॉट द फ्लू, ठीक है, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन द तब यूज करें जब जब द यूज किया गया हो, तो उसे हम इनफॉर्मली यूज मानेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा आपको दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दिया हुआ है, और ये इलनेस के लिए है, मैंने मतलब कि किसी बीमारी के लिए यूज किए जाने वाले जितने भी शब्द हैं उनके पहले आप आर्टिकल का यूज करते हैं या ना करते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में फर्क है थोड़ा सा। यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आईव गॉट अ टूथ एक, एन ईयर एक, एन अ बैक एक, स्टोमेक, तो यहाँ पर सबके साथ आपने यहाँ पर आपने ए और एन का प्रयोग किया है। अमेरिकन इंग्लिश में ये होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ पर यूज नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये दोनों में कौन सा हमें यूज करना है दोस्तों, अक्सर हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक है, हमें ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना है, ठीक है, तो अक्सर इस ब्रिटिश इंग्लिश का हम प्रयोग करते हैं।